नमस्कार, मैं संतोष भगत, स्वतंत्र सागर न्यूज में आपका स्वागत है। बिना वाहन और बिना जांच के मिलती है पीयूसी, परिवहन कार्यालय एवं पुलिस प्रशासन कार्रवाई में नाकाम। पालघर जिला पुलिस अधीक्षक के पद पे जब से वर्तमान अधीक्षक गौरव सिंह आए, जिले भर में हर सब अपराधियों और गलत कार्यों को अंजाम देने वाले लोगों में खासा भय और डर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें तब भी छूटती दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं पालघर जिले के वसई विरार परिवहन विभाग आरटीओ की। दरअसल हमें इस आशय की खबर मिली थी कि क्षेत्र में संचालित पीयूसी सेंटर्स धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखते हुए बगैर गाड़ी की जांच पड़ताल किए अवैध रूप से पीयूसी जारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हालात ये है कि यदि एक गाड़ी में बैठकर कोई जाता है और उस गाड़ी के लिए पीयूसी लेने के लिए उपरांत यदि दूसरी गाड़ी के लिए पीयूसी मांग करता है, तो ये पीयूसी सेंटर्स बड़े ही आसानी से बगैर गाड़ी के ही पीयूसी दे देते हैं। और तो और ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि गाड़ी किसकी है। हम प्रशासन और पुलिस से ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या बिना गाड़ी या आरसी बुक के पीयूसी मिलती है? पब्लिक को ये सुविधा मिल जाती है, परंतु हम पब्लिक को भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या बिना गाड़ी के पीयूसी मिलना चाहिए, जिससे कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो क्या कल हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गाड़ी का नंबर बताकर पीयूसी ले तो मिल जाएगी? इस खबर की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम ने ऑपरेशन पीयूसी को अंजाम दिया और कैमरे के सामने ही इस खबर की पड़ताल करने की कोशिश की, तो जो सच्चाई सामने आई, इसके बाद पुलिस विभाग के विरार डिप्टी परिवहन अधिकारी अनिल पाटिल को फोन द्वारा संपर्क किया, तो उन्होंने भी कहा कि बिना गाड़ी के जांच बिना कोई भी पीयूसी सेंटर्स पीयूसी नहीं दे सकता, उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने कुछ ही दिनों पहले ऐसे पीयूसी सेंटर्स पर कार्रवाई की है, क्या अब तो ऐसे सेंटरों पर पुनः परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा? अब आप देखिए संतोष भगत के साथ संवाददाता यूसुफ अली की रिपोर्ट। जब आपकी डेट खत्म होती जाएगी ना, तब आपको मैसेज आएगा। अच्छा, ओके, इसके लिए। अच्छा, वहाँ बराबर ध्यान में रहेगा, रिमाइंड रहेगा, वो तो अच्छा सिस्टम है। ये देखो, अभी मैं आपसे वही कर रहा था। देखो, कब सबको मैं मैसेज भेज रहा था जिनके जिनके खत्म हो रहे। अच्छा, ओके। 5 दिन पहले सबको मैसेज डाल देते। दोनों गाड़ी का अलग अलग है ना? ठीक है, 01AN2102। गाड़ी कहाँ पे? गाड़ी कहाँ पे? गाड़ी गैरेज में। MH01AN2102। 2102। मोबाइल नंबर वही डालू? हाँ, वही डालू। नाम क्या दोस्त? सचिन। हाँ सचिन, मेरा साइन भी किया है। अच्छा, इस टाइम किया है, साइन किया है मेरा। तो तुम बिना गाड़ी के बिना इसके पीयूसी देते हो? हाँ, बिना गाड़ी के बिना गाड़ी चेक किए पीयूसी कैसे देते हो? गाड़ी है नहीं है, बिना गाड़ी के पीयूसी कैसे देते हो? पीयूसी का रूल्स क्या है? पीयूसी कैसे देना चाहिए? सर, गाड़ी है तभी देना चाहिए। हाँ, तो अभी तो तुमने बिना गाड़ी का दिया है। ये गाड़ी किसका नंबर है मालूम है तुमको? जो नंबर बताया किसका नंबर है मालूम है? वो भी नहीं मालूम है, तुमने पूछा भी नहीं गाड़ी किसका है। वही पूछा ना आपको सर। मुझे पूछा, लेकिन गाड़ी का रूल्स क्या है मुझे रूल्स बताओ खाली। सर, अनलीगल होता है मालूम है मुझे सर। हाँ, बट आप मुझे अच्छे इंसान लगे इसलिए मैंने। अच्छे और बुरे का सवाल थोड़ी है, अनलीगल तो अनलीगल ही है। अनलीगल तो अनलीगल ही है, जो अच्छा इंसान है, जो बुरा इंसान है उसके सिंह थोड़ी होते हैं। हाँ सर, बराबर है आपके पास सर। गाड़ी, ये भी गाड़ी जो सामने, उसको भी चेक नहीं किया, पाइप नहीं डाला। जो गाड़ी सामने उसमें भी चेक नहीं किया, बिना चेक डाले, बिना चेक किए दिया ना। और दूसरा, गाड़ी है ही नहीं, पीयूसी दे रहे हो आप। लाइसेंस दिखाओ अपना। लाइसेंस किस नाम से? सर के पास है। क्या नाम है सर का? किशोर मोरे। किधर का है, मोबाइल का है या घर का है, दुकान का? सर उनका ऑफिस है। कहाँ पे ऑफिस? विरार में।